सभी को नमस्कार। और अतुल विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मेरी शुभकामनाएं। आज शायद मैं 10 साल पुराना जो मेरे सवाल था उसका मुझे उत्तर मिल गया। यहाँ आके ऐसा बच्चा जो अपना सब कुछ खो देता है, अपने माता पिता को खो देता है, अपने परिवार को खो देता है, यहाँ तक कि समाज को भी खो देता है, उसकी कोई मदद नहीं करता है, तिरस्कृत होकर अपने जीवन को अकेला जीता है। मैंने भी वो महसूस करा, कोमा में रहा, कुछ ऐसे घटनाएं मेरे साथ हुई उस समय में ही कि मैं सबसे मदद मांग रहा हूँ और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। ईश्वर ने दूसरा जीवन दिया तो देखा कि ऐसे मासूम भी हैं जो उनकी कोई मदद नहीं करता है। उन बच्चों को संस्थाएं हैं HIV के लिए, बहुत काम करते हैं, बहुत मेरे से भी बड़े काम करते हैं, पर मुझे कुछ अलग ऐसा करना होगा कि इन बच्चों को, इनको तो मदद मिले ही, भारतवर्ष में नहीं दुनिया में ऐसे बहुत अभागे बच्चे हैं जो इस दर्द और पीड़ा के साथ जीते हैं। बच्चों को मैंने अपनाया और एक ही सवाल में ढूंढता रहा कि इनकी मदद कौन करेगा। मदद पैसे, सामान, वस्तु, खाने पीना, ये सब नहीं होती है। इन सबको क्या जरूरत है? इनको उसी की जरूरत है जहाँ से कि सबको, सबने इनको त्यागा है, इनके माँ बाप। ऐसे नहीं, बायोलॉजिकल माँ बाप ही अपने होते हैं, सभी अपने होते हैं। आज मैं 14 बच्चों का पिता हूँ, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, वो भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं। अगर हम मानव हैं, मनुष्य हैं, तो शायद कुछ अलग करना होगा। और अतुल विद्यालय शायद आपके देश में नहीं पूरे विश्व में ऐसा नहीं कर रहा होगा कोई जो अतुल विद्यालय करता है। और मैं कितना धन्यवाद दूं अतुल परिवार का कि इन्हीं बच्चों को नहीं दुनिया के हर बच्चे को मदद मिलेगी। शायद कोई सोचेगा जो इनको इस पीड़ा देने के लिए शामिल हैं, कहीं ना कहीं वो तिरस्कृत किन्हीं अज्ञानता के वजह उनको तिरस्कृत करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हाँ ये सब हमारे ही हैं। और मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों की दुनिया एक ऐसी हो जहाँ कोई अनाथ ना हो, तिरस्कृत ना हो, खास तौर से बच्चा। जैसे आज छोटे छोटे बच्चे बड़े मुस्कुराए, खुश हैं, ईश्वर करे इनको सारी जिंदगी ऐसी खुशियां मिलें। और मेरे भारत में कोई भी बच्चा उस पीड़ा से ना गुजरे। माता पिता को खोके भी अनाथ बच्चा जी लेता है, उसके लिए अनाथ आश्रम होते हैं, कहीं ना कहीं विकलांगता उसके जीवन में आ जाती है, वो भी जी लेता है। एक ऐसा बच्चा जिसकी कोई भी मदद नहीं करता है, पर अतुल विद्यालय ने एक ऐसी पहल की, ऐसा संदेश दिया है दुनिया को कि ऐसा हो सकता है। जब शुरुआत में मैं डरता था कि एक ही सवाल आता था, मेरे बेटे मेरे से पूछते हैं कि पिताजी हम नॉर्मल सबके साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं। हमारा अभी मैं इस परेशानी को अभी महसूस भी करा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हमारा फोटो क्यों नहीं आता है। तो या हम प्रोग्राम्स में क्यों नहीं शामिल होते हैं। मेरे पास एक ही उत्तर है कि अपने अंदर ही, कि कभी ना कभी सोच बदलेगी, एक शुरुआत होगी। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कहीं से शुरुआत नहीं हुई जो ऐसे बच्चों के लिए आए, कहीं ना कहीं अपनाए, उनको अपने साथ शामिल करें। आज अतुल विद्यालय ने ऐसा कराया कि उनको अपने साथ शामिल कराए और सबको आईना दिखाया कि हम ऐसा कर सकते हैं।
मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ और नववर्ष की शुभकामनाओं सहित एक ऐसे सपना भारतवर्ष हो कि जहाँ कोई बच्चा अपना कोई ना खोए, सब खुशीपूर्वक जिए, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। और आप सबका भी साथ चाहता हूँ, केवल कोई समस्या नहीं है, अनाथ बेसहारा या तिरस्कृत, केवल हम थोड़ी सी सोच बदल लें और 10 में से एक भी कोई खड़े होके एक बच्चे की मदद कर दे तो कोई भी ना ऐसा ही रहेगा, ना अनाथ रहेगा, ना तिरस्कृत रहेगा। बस थोड़ी सी सोच बदल लें। इसी के साथ आपका धन्यवाद, हमें यहाँ बुलाया अतुल परिवार का बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने अपने साथ शामिल करा आप सबके साथ। और मैं तो सोचता हूँ कि मैंने तो कहीं भी नहीं देखा ऐसा विद्यालय जहाँ मानवीय पहलू पे ध्यान दिया जाता हो। शिक्षा तो बहुत जगह मिल रही है, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, बहुत सारे उनके रिजल्ट हैं, जहाँ बच्चों को ऐसा संवेदनशील बनाया जाए, जहाँ एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जो हमारे कभी पूर्वज प्रेरणा देते हैं, जिन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा बनेगा। धन्यवाद आपका, नमस्कार। सर, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी इंक्लूडिंग अस, बट वी वुड लाइक टू नो व्हाट इंस्पायर्ड यू दीज एचआईवी पॉजिटिव चिल्ड्रन। हिंदी में बताइए। मैंने हिंदी सीखी है, अंग्रेजी नहीं सीखी है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और कभी जरूरत पड़ेगी तो जो हिंदी नहीं जानते वो हिंदी सीख लेंगे। हाँ ठीक है, वेरी, बताओ बेटा। सर, आप बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह की प्रेरणा है और आप, हम भी उन लोगों में से एक है, पर हम आपको आपसे जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया इन लोगों की मदद करने के लिए। हाँ, कई बार क्या है कि हम इंसान क्यों हैं, पशु पक्षी भी तो हैं, वो भी मदद करते हैं सबकी, और जब अपने पे गुजरती है कहीं ना कहीं तभी आदमी को महसूस भी होता है मुझे दूसरा जीवन शायद ईश्वर ने इसीलिए दिया होगा कि शायद किसी का मैं कुछ करूं। और सभी से प्रेरणा है, सभी अच्छे व्यक्ति होते हैं, सभी इंसान हैं, बस थोड़ी सी बदलाव लाने की ज़रूरत है। और स्वप्रेरणा है मेरे अंदर, और तब भी ईश्वर कोई अच्छा कार्य किसी से कराते हैं तो उसे स्वप्रेरित करते हैं वो। और आप सब भी भगवान स्वरूप ही हैं, सब ईश्वरी तो होते हैं, ईश्वर जैसा कार्य करिए ईश्वर बन जाइए। यही इंसान का जीवन हमें मिला है जहां हम भगवान और ईश्वर रूप ले सकते हैं, ईश्वर बन सकते हैं, केवल थोड़ा सा कार्य कर दीजिए ईश्वर जैसा। और ईश्वर का कार्य है कि दूसरे की मदद करना, और जब हम अपनी मदद स्वयं चाहते हैं तो हम दूसरों की मदद करें, स्वयं हमारी मदद हो जाएगी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। थैंक यू सर।